viewers, I, Hina Siddiqui with Manya from UPS Newsroom is here with some fascinating events that took place in August 2016. Now let's have a quick look on today's headline. Universal Public School celebrated 70th Independence Day on 12th August 2016. Universal Public School conducted Cleanliness Awareness Program. Universal Public School has celebrated Janmashtami on 24th August with great pomp. Rakhi making competition was organized by pre-primary wings. UPS celebrated 70th independence in which a series of activities took place. Directorate of Education Zone 2 East organized volleyball tournament from 16 to 23rd of August. Pre-primary wing have organized a clay modeling competition on 10th August 2016. स्वतंत्रता दिवस का अवसर आते ही प्रत्येक भारतीय के मन में देशभक्ति के भाव हिलोरे लेने लगते हैं। इन्हीं भावों से ओतप्रोत यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में 13 अगस्त 2016 को 70वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के डिप्टी मेयर तथा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र आहूजा को आमंत्रित किया गया। विद्यालय प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्य अतिथि द्वारा भारतीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए झंडारोहण किया गया तथा स्वतंत्र भारत में विद्यार्थियों के दायित्व विषय पर एक ओजपूर्ण वक्तव्य दिया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य निदेशिका द्वारा धन्यवाद प्रकट किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जैसे देशभक्ति गीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक आदि। इसी प्रकार विद्यालय के नर्सरी विभाग में भी नन्हे विद्यार्थियों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। Cleanliness Drive. Swachhta Pakhwada was observed and different activities were conducted by Universal Public School during 1st August to 12th August. During these days, NCC cadets participated with great zeal and enthusiasm. Cleanliness Rally was organized to spread awareness among the people in and near the park and promised to keep their surroundings clean. A quiz and Swachh Bharat mission was organized in Assembly for All. All pledge to make the environment a better place to live. हमारे हिंदू संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे उत्तर भारत में जन्माष्टमी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने कर्म के संदेश तथा अपनी नटखट लीलाओं के कारण जगत प्रसिद्ध हैं। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में भी 23 अगस्त को यह जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य निदेशिका श्रीमती माया गुप्ता जी ने भगवान श्री कृष्ण के चित्र की पूजा अर्चना की, साथ ही विद्यार्थियों को गीता में वर्णित कर्म के मार्ग को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणाप्रद संदेश भी दिया। इस अवसर पर विद्यालय के सीनियर विभाग में विद्यार्थियों द्वारा गीत, नृत्य तथा कृष्ण जीवन की झांकियां प्रस्तुत की गई। नर्सरी विभाग में भी इस पर्व पर नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा कृष्ण जीवन की झांकियों के अनेक दृश्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का समापन भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ संपन्न हुआ। अब अंग्रेजी समाचारों के लिए चलते हैं हिना सिद्दीकी के पास।
pre-primary wing had organized a rakhi making competition on 17 August 2016. All the children had made beautiful rakhis from material they had bought from their home. After that, from each class, three winners have been awarded with certificates. For more news, now let's move on to Manya. भारत को विदेशी शासन के बंधन से स्वतंत्र हुए 70 वर्ष बीत चुके हैं और यह स्वतंत्रता हमें असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयत्नों एवं बलिदानों से प्राप्त हुई है। CBSE शिक्षा विभाग के आदेशानुसार इस वर्ष प्रत्येक विद्यालय में इस अवसर को स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर 11 अगस्त से 23 अगस्त तक विद्यालय में प्रतिदिन स्वतंत्रता शीर्षक पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रथम दिन को अंतर सदन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगी विद्यार्थी अनेक देशों के स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों की वेशभूषा में उपस्थित थे तथा आज़ादी विषय पर अपने ओजपूर्ण विचार प्रस्तुत किए, जैसे मार्टिन लूथर किंग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्वीन एलिजाबेथ, प्रसिद्ध सुधारक आंग सैन सू की आदि। विद्यालय को स्वतंत्रता दिवस समारोह इस श्रृंखला का द्वितीय भव्य कार्यक्रम था। इस अवसर पर विद्यालय में दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र आहूजा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीत तथा नृत्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। शिक्षा निदेशालय पूर्वी दिल्ली जोन 2 के सौजन्य से 16 से 23 अगस्त 2016 को एक किशोर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और बड़े गौरव का विषय था कि यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल को इसका केंद्र बनाया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों ने बड़े जोश और उत्साह से अपना खेल प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता 3 चरणों में सम्पन्न की गई थी, सब जूनियर वर्ग तथा सीनियर वर्ग। सब जूनियर वर्ग में भाग लेने वाले 28 विद्यालय थे। अत्यंत हर्ष का विषय रहा कि इन सभी में यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। जूनियर वर्ग में 26 विद्यालयों की प्रतिभागिता में भी यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल ने श्रेष्ठता बनाए रखते हुए दूसरे स्थान पर विजित हुआ तथा सीनियर वर्ग में भी 26 विद्यालयों के मध्य प्रतियोगिता थी, जिसमें हमारे विद्यालय ने तीसरे स्थान को प्राप्त किया। संपूर्ण प्रतियोगिता अत्यंत जोश और उत्साह से परिपूर्ण थी। प्रतियोगिता का समापन 23 अगस्त को हुआ। Clay Modeling Pre-Primary Wing had organized a clay modeling competition on 10th August 2016 based on the theme Patriotism. In this competition, children had made various objects like rupee symbol, national flower and national flag. The motive of this competition was to enhance the imagination of children and enable to give them better shape. After that, from each class, three winners were awarded with certificates. That's all for today. We'll be right back with more fascinating news of Teachers' Day celebration. Till then, goodbye. Namaskar.